YouTube आपको खुद बताता है कि आपका YouTube चैनल कब ग्रो होगा। काफी सारे क्रिएटर्स को पता ही नहीं है कि कैसी ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं और YouTube कैसे बताता है और हम कैसे चेक करते हैं। इस वीडियो में आपको पूरे तरीके से सब कुछ प्रूफ के साथ बताने वाला हूं। काफी सारे जो यूट्यूबर है उनके यूट्यूब चैनल पे 10 15 20 50 व्यूज आते हैं और वो यूट्यूब चैनल के हिसाब से काम नहीं करते, यानी कि यूट्यूब जो आपको बता रहा है उसके हिसाब से काम नहीं करते। बट इस वीडियो में मैं आपको यही समझाने वाला हूं कि अगर आप यूट्यूब के हिसाब से काम करोगे तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। यहां पे दोस्तों आप देख सकते हो मेरा एक यूट्यूब चैनल है इसरार मलिक और इस पे इतने व्यूज है और अब आप देख सकते हो कितने व्यूज आ रहे हैं और आखिर इस चैनल पे व्यूज क्यों बढ़े हैं और कैसे मैंने इस पे ट्रिक का इस्तेमाल किया है और यूट्यूब ने जो मेरे को बताया है वो ही मैंने अपने चैनल पे अप्लाई किया है। सब कुछ आगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। बट उससे पहले एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर देना, क्योंकि भाई आपको पता है कि हम वीडियो क्वालिटी के साथ विश्वास भी देते हैं। देखो दोस्तों यहां पे चैनल का नाम है इसरार मलिक, ठीक है। इस यूट्यूब चैनल पे लास्ट 28 डेज में आप देख सकते हो 317 सब्सक्राइबर हुए हैं। बट इस पे मैंने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था। अब मैंने जैसे ही काम स्टार्ट किया है तो मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ गए हैं और मेरे लास्ट 28 डेज में जो व्यूज है वो भी बढ़ गया है और वो टाइम भी बढ़ गया है। और मैंने जो ना मेरे यूट्यूब चैनल पे दो दिन में तीन दिन में सिर्फ 40-50 व्यूज आते थे और अब व्यूज भी बढ़ने लगा है। पर मैंने कैसा किया मैं आपको बताना चाहता हूं, जरा ध्यान से देखना। पहले मैं आपको एनालिटिक्स दिखाता हूं, एनालिटिक्स में मैं जाता हूं, जरा आप देखिए कोशिश करिए। यहां पे आप देख सकते हो व्यूज बढ़ा है, वॉच टाइम बढ़ा है, थोड़े से सब्सक्राइबर कम हुए हैं बट ये भी बढ़ जाएंगे। देखो दोस्तों YouTube आपको कैसे बताता है यही आपको भांपना पड़ता है। अगर आप YouTube के बताए हुए रास्ते से चलोगे तो जल्दी से ग्रो हो जाओगे। ये हमारा YouTube चैनल है, इस टाइम काफी चेंजेस हुए हैं, आप देख सकते हो वेरीफाइड चैनल है और इस पे 109,000 सब्सक्राइबर है, 179 वीडियोस को अपलोड कर चुके हैं। अब पॉपुलर में जैसे जाते हैं जरा आप देखिए वो यहाँ पे इंस्टाग्राम की वीडियो कौन कौन सी है, एक इंस्टाग्राम की वीडियो ये रही, एक ये रही, उसके बाद एक वीडियो ये रही, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये वीडियो है, ये वीडियो है। तो इसका मतलब क्या है कि इंस्टाग्राम पे पॉपुलर वीडियोस में आ रही है और YouTube ने कहा है कि अगर पॉपुलर वीडियोस आपकी उसी टॉपिक पे वायरल हुई है, अगर आप उसी के टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियोस बनाओगे तो डेफिनेटली आपका चैनल में बूस्ट मिलेगा। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं मैंने यही काम किया है, कैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहां पे मैं जाता हूं और यहां पे सबसे पहले आप जरा देखिए ये क्या लिखा है, यहां पे योर टॉप कंटेंट इज दिस पीरियड, ठीक है। क्या लिखा है, लास्ट 28 डेज में क्या है ये आप देख सकते हो, क्या है इंस्टाग्राम का जो है यहाँ पे वीडियो डाली व्यूज अच्छा आया, उसके बाद दूसरी इंस्टाग्राम की डाली तो यहाँ पे व्यूज अच्छा आया। उसके बाद मैं नीचे की तरफ जाऊं इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हो मेरी वीडियो पुरानी ही चल रही है जो कि मैंने 2019 में पब्लिश करी थी, उसके बाद इंस्टाग्राम की डाली तो आप देख सकते हो 1967 व्यूज पे पहुंच गई है। इंस्टाग्राम की जब भी मैं वीडियो डाल रहा हूं तो चल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको जाना है लास्ट 20 डेज में और यहाँ पे ये चेक कर लेना है कि आपकी मोस्ट पॉपुलर वीडियोस कौन सी है। मान लिया मुझे तो पता है कि मेरी मोस्ट पॉपुलर और मेरी जो वीडियोस टाइम लास्ट 20 डेज में चल रही है वो इंस्टाग्राम की चल रही थी, ये वाली चल रही थी, ओनली ये वाली, ठीक है, ये वाली वीडियो चल रही थी, इसी के रिगार्डिंग मैंने और वीडियोस बनाई तो मेरे को यहाँ पे रिजल्ट मिला और मेरे पे व्यूज आना स्टार्ट हो गया। एक बात और बताना चाहूंगा, देखो यहाँ पे आपको जाना है कंटेंट में, कंटेंट में जाओगे और यहाँ पे सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि आपके जो व्यूवर है रिटर्निंग व्यूवर कितने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे रिटर्निंग व्यूवर तो ये है, अगर आपके रिटर्निंग व्यूवर कम है तो आप उनको बढ़ाइए क्योंकि रिटर्निंग व्यूवर से ही आपके जो है ना व्यूज ज्यादा आते हैं। पर यहाँ पे बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट की कि YouTube आपको कैसे बताता है कि आपको क्या काम करना है, ये है ऑडियंस में। ऑडियंस में जाओगे आप तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिटर्निंग व्यूवर, ये आपके रिटर्निंग व्यूवर है जो कि ये आप नीचे की तरफ लाइन देख रहे हो पर्पल कलर में और ये ब्लू लाइन में ऊपर आप देखने की कोशिश करोगे, ये वाली है न्यू व्यूवर। तो यानी कि न्यू व्यूवर अगर आपके पास आ रहे हैं तो उनको कन्वर्ट करना है आपको रिटर्निंग व्यूवर में, ठीक है। हालांकि मेरा ग्राफ बहुत ज़्यादा है, ये नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, बट नीचे की तरफ मैं जाऊंगा और नीचे की तरफ मैं देखूंगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, आप देख सकते हो यहाँ पे वीडियो ग्रोइंग योर ऑडियंस, ठीक है। ये कह रहा है, ठीक है, कि आपका जो कंटेंट है वो मॉडरेट इतना है, जो मॉडरेट हो रहा है तो इसका मतलब है उस पर अच्छा रिस्पांस मिलने वाला है। तो देखो मैं आपको नीचे की तरफ लेके जाता हूं और यहाँ पे एक ऑप्शन मिला है, ये है हाउ व्यूवर्स फाइंड योर वीडियो, ठीक है। वैसे तो ओवरऑल मेरा ट्रैफिक कहाँ था, यूट्यूब सर्च से आ रहा है, सजेस्टेड वीडियो से बहुत कम आ रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करोगे या यूट्यूब सर्च ये सबसे मेन होता है, यहाँ पे जाइए ये क्या बोल रहा है कि आपके यूट्यूब चैनल पे 82% ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है इंस्टाग्राम मोनेटाइजेशन कैसे करें, हाउ टू मोनेटाइज इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम मोनेटाइजेशन, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम, सारे कितने कीवर्ड है इंस्टाग्राम है। यानी कि जब भी मैं इंस्टाग्राम के रिगार्डिंग वीडियोस बनाऊंगा तो इस वीडियो पे मेरा रिजल्ट मिलेगा, मेरे को मिला भी है। कैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे कॉन्टेंट में मैं जाता हूँ और अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये वाली वीडियो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, मैंने यहाँ से, ठीक है, मैंने इंस्टाग्राम
के लिए ये वीडियो डाली, देख सकते हो यहाँ पे 73,000 व्यूज आ गया। फिर मैंने यूट्यूब के रिगार्डिंग डाली, वीडियो नहीं चली क्योंकि इंस्टाग्राम की चाहिए थी इसको। इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बनाई, 1600 वीडियो पे पहुंच गई है। उसके बाद ये वाली इंस्टाग्राम पे 1400 पे पहुंच गई है। उसके बाद ठीक है, ये वाली वीडियो मैंने बनाई, आप देख सकते हो इंस्टाग्राम के रिगार्डिंग ये वाली बनाई तो यहाँ पे देख सकते हो, बट मैंने दूसरी हटके वीडियो बनाई तो ये वीडियो पे कम रह गया। ये वीडियो भी मैंने हटके बनाई, वीडियो पे कम व्यूज रह गया। अब नीचे की तरफ जाता हूं मैं, यहां पे जब भी मैं इंस्टाग्राम के रिगार्डिंग बना रहा हूं, एक इंस्टाग्राम के रिगार्डिंग मैंने ये बनाई थी तो आप देख सकते हो 76,000 व्यूज आए। इसका मतलब यूट्यूब मेरे को क्या बोल रहा है, यूट्यूब बोल रहा है कि भाई आप इंस्टाग्राम के रिगार्डिंग बनाइए, इंस्टाग्राम के रिगार्डिंग टॉपिक को चूज करिए, उन्हीं पे वीडियो पे व्यूज आ रहे हैं। मैं आपको रियल एग्जांपल दिखा रहा हूं, आप भी अपने चैनल के लिए देखना। देखो 1, 2 और 3, ये तीन वीडियो मैंने पब्लिश करी फेसबुक के रिगार्डिंग, व्यूज कितना रुक गया, 245, 229, 272 और यहां पे 488। बट जैसे ही मैंने इंस्टाग्राम के रिगार्डिंग मैंने वीडियो डाली, ये देखो ये मैंने डाली तो यहाँ पे 1977, ठीक है। उसके बाद इंस्टाग्राम के डाली, ये देखो 2783। इसका मतलब है इंस्टाग्राम की जो मेरे चैनल पे रीच है वो ज्यादा है और इसी तरह से फाइंड कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको यही बात बोलना चाहूंगा कि अगर आप भी अपने यूट्यूब चैनल का जो एनालिटिक्स आपको बता रहा है, जो यूट्यूब आपको बोल रहा है, उसी के हिसाब से आप काम करिए। अगर काम करोगे तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने रिजल्ट देखने को मिला भी है। मैं आपको कोई बात गलत नहीं बताता, बिल्कुल सच बताता हूँ। जो मेरी एनालिटिक्स होती है, जो मेरा एनालाइज होता है, वही मैं आपके लिए बता देता हूं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वाकई में पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।